मैं आप सबको तशरीफ लाने पर इन सब बरादरियों की तरफ से और अपनी तरफ से यहाँ खुशामदीद कहता हूँ और साथ साथ आपको ये बताता चलूंगा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कोई किसी पार्टी का कोई झंडा बैनर पोस्टर नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा तो इसके बारे में मैं आपको अर्ज करूं कि यहाँ परसों हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम बरादरियां जो सेसर में रिहायश पजीर हैं तो उन सब बरादरियों को यहाँ वो तशरीफ लाए और हमने बैठ के फैसला किया कि इस दफा हमने इस इलेक्शन में एक मुश्तरका लाइमल हमने जो उसको जारी रखना है और उस सिलसिले में जहाँ जितनी भी बरादरियां थी इस वक्त यहाँ जो मौजूद हैं सेसर में रहने वाली जो आवासी बरादरी उसके बाद यहाँ जंजुआ बरादरी उसके बाद भट्टी बरादरी और उसके बाद बगलियार बरादरी जो सारे यहाँ इस वक्त मौजूद हैं तो उनकी तरफ से भी मैं आपको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ आप यहाँ तशरीफ लाए। अब जैसे छोटे बरखुरदार ने बताया कि हमारी जो परसों मीटिंग थी उसमें हमने ये इसे इजाजत ले ली थी कि हम लोग इस दफा जो वोट देना है क्योंकि इससे 72-73 साल पहले हमने जो वोट दिया है वो उस वोट का इन लोगों का इनकी औलादों का या इस इलाके का कोई फायदा नहीं हुआ तो इस वक्त से ये सब लोग मुत्तफिक हैं कि हम किसी ऐसी ऐसे उम्मीदवार को वोट दें को जो कल हमारे जो हुकूक हैं उनका तहफ़ कर सके। तो मैं इसकी ताईद में कि मेजर साहब आपको ये लोग आपसे ये लोग आपसे प्यार करते हैं और ये आपकी हिमायत में मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक दफा फिर खड़े होकर आज इस बात का अदा करें कि हम मेजर लतीफ खलीफ के साथ हैं। ये आपके वोटर सपोर्टर हैं। दूसरी बात मैं क्लियर करूं कि अपनी जात के बारे में हमारा ये घर है, हमारे सिर्फ 5 वोट हैं, वो भी कुदरती कहीं बन गए हैं, लेकिन हमारा यहाँ कोई वोट नहीं। हमारा किसी किस्म का इलेक्शन लड़ने का या कोई और मामला हमारा यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपके वोटर और सपोर्टर ये जो बरादरियां मैंने नाम गिनवाए हैं ये सब सब आपके वोटर सपोर्टर आप इनको जानते हैं, ये आपको जानते हैं, आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो एतमाद भाइयों दोस्तों बेटों भतीजों ने हम पे किया है वो एतमाद जो है वो सारा मैं आप पे छोड़ता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि कोई वक्त कोई मसला हुआ तो आप उनके काम आएंगे। आपकी ये रवायत है कि आपने अपने वर्कर्स और अपने साथियों को कभी मायूस नहीं किया, जहां भी कभी जरूरत हुई है तो आपने अपने साथियों वर्कर्स की आपने उनकी हर लिहाज में मदद की। तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि यहाँ ये पिछला इलेक्शन छोड़ के पिछले इलेक्शन में एसपी रियाजाबाद साहब को इन्होंने ये इख्तियार दिया था यहाँ से पूरी कांडी से अगर कोई नून लीग का कैंडिडेट था तो वो लेकिन कोई मायूसी ठीक है। इसके बाद अब हमारी नसाराबाद अमानत साहब दीगर कई जमातों के यहाँ अहदेदार मौजूद है, नाम गिनवाना अच्छी बात नहीं है। तो इस दफा हमने बैठ के ये फैसला किया कि इस दफा जो भी फैसला करेंगे तो वो इलाके की फलाह बहबूद के लिए और हमारे बच्चों का बहबूद के लिए ये जो भी हमने फैसला किया वो करेंगे। अब मैं आपको बताऊं इसकी कुर्बानी देख एसपी रियाजाबाद साहब हैं, ये प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर इनके मामूजाद भाई का साला है और ये नून लीग के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, इनका मरकजी ओहदा इनके पास है। नसाराबाद साहब हैं पीपल्स पार्टी का सेंट्रल मरकजी ओहदेदार हैं,
इसके बाद हमारे तो बाद साहब है यहाँ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर है और कई यहाँ अहदेदार बैठे हुए हैं। तो ये इन सब ने इस दफा मुतफिक का फैसला किया, हमने कोई रिश्तेदारी नहीं देखी, कोई बरादरी नहीं देखी। आपके मुकाबले में जो कैंडिडेट है, सबसे पहले गिनू अपना खावर कयूम, खावर कयूम जो है वो हमारा भतीजा लगता है, वकालत में वो हमारा शागिर्द, लेकिन हमने कोई रिश्तेदारी नहीं देखी। दूसरी तरफ क्या है, फैसल आजाद है, फैसल आजाद रियाज अब्बासी साहब के का पोता लगता है और हमारा भी पोता लगता है, इनके खालादाद भाई का बेटा, इसी तरह वो इनके फूफीदाद भाई का बेटा और हमारी भाई के बेटे का आगे बेटा, लेकिन हमने कोई रिश्तेदारी कोई कुछ नहीं देखा। इस तब हमने यही फैसला किया कि होगा तो मेजर लतीफ खली को। तो ये मामला आपसे गोश्तगार मैंने कर दिया। इसके बाद जो बाकी मामला हैं, सियासी मामला हैं, वो आपके सामने 73 साल क्या होता रहा, क्या नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है 72-73 साल से एक टेन्योर इनको मिला गालिबाज अनुभव, वो भी जब इन्होंने इलेक्शन बाइकॉट किया। इलेक्शन बाइकॉट करने के बाद मेरा जितना भी टेन्योर इनको मिला, कभी ये प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर रहे, कभी ये प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर रहे, तो हालात वाकत हमारे इस इलाके के देख लें कि वो क्या है। यहाँ बिशारत साहब शहीद रोड मिली, जो डॉक्टर अयाज साहब ने दी, और वो खान हमीद से उन्होंने दिलवाई। सेसर में हेल्थ सेंटर मिला डॉक्टर अयाज साहब की मेहरबानी से मिला। यहाँ जो गुजरात का वो मामला है वो सारा वो मिला। उसके बाद यहाँ आप देख लें सड़कों के हालात, देख लें दूसरे मामला, देख लें कि ये प्राइम मिनिस्टर और जो सदा प्राइम मिनिस्टर और सदा प्रेसिडेंट रहने वाले जो इलाके के लोग हैं, ये उस इलाके का मतलब हाल है। तो जब ये खुपादर यूनिवर्सिटी थी तो वो यहाँ से चले गए, लोग इनके पास गए, कहने जी वो कहते हैं जी के बाग भी हमारा है, बात भाई बाग हमारा नहीं है, तुम्हें ये लोग वोट देते हैं, वोट देकर तो आगे भेजते हैं, तो फिर जब इनके हकूक की बारी आती है तुम लोग कहते हैं कि बाग भी हमारा है। ये बात नहीं होती, ये अगर तुम्हें रिजेक्ट करेंगे तो तुम्हारे लिए अभी कोई मकाम नहीं होगा। एक दफा अगर मेजर सट मार दी वो कहते हैं पंजाबी में, तो दोबारा इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बताऊं ये मुझे बातें नहीं अभी नहीं करनी चाहिए थी। मैं यहाँ जनाब एक बरादरी का हमारा को गलती की थी, हमने उसको बाइकॉट किया था, तो हमने फिर उसको माफी का ऐलान किया। उसकी जो बरादरी के लोग थे तो अजीम को मैं बुलाऊंगा, अजीम याद है मोहम्मद अदीब, ये माफी हो गई है, ये आपकी हमायत का ऐलान करता है अपनी बिरादरी के साथ, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का रुकन था मुस्लिम होकर। सारे माजरीन बैठे हुए सर, मैं अपनी सारी बिरादरी की नहीं, मैं मेजर लतीफ खलीक साहब जमात एक आलम जितनी माड़ी बिरादरी जमात एक आलम सारे सारे बट्टी बिरादरी आपका शुक्रिया, और शुक्रिया उस दिन जिस दिन लतीफ खलीक के पक्ष से वोटें निकले, तो फिर हम इनको बताएं कि हमने आपकी हमायत का ऐलान किया था, तो आज हमने साबित कर दिया था। तालियां बजाने नारे मारने की बात नहीं है, बात है वोट की। तो जिस दिन अल्लाह पाक हमें इज्जत दे, 25 तारीख को अल्लाह पाक हमें इज्जत देगा इंशाल्लाह, और हमने बताना है कि मेजर साहब हमने आपसे वादा किया था और वो वादा हमने निभाया।